हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोलर स्ट्रिंगर। दोस्तों, आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और मेरे चैनल को देखते रहें। और पिछले वर्ष जो आप लोगों ने मेरे चैनल को इतना प्यार आशीर्वाद दिया है, इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और जो लोग रोज़ जुड़ रहे हैं, बहुत लोग आज भी सब्सक्राइब किए हैं मेरे चैनल को, तो उन्हें भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने लोग लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मेरे वीडियो को शेयर कर रहे हैं मेरे चैनल पर, बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। मतलब जब मेरे चैनल पर मात्र 0 सब्सक्राइबर थे, 0 से फिर 1, 2, 3 करके जुड़ते जुड़ते अभी मीन्स आज 1 जनवरी को 3300 सब्सक्राइबर हैं मेरे। तो ये सिर्फ आप लोगों के कारण ही संभव हो पाया है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार आशीर्वाद दिए हैं मेरे वीडियो को। आप लोग देखते हैं, शेयर करते हैं और काफ़ी सपोर्टिव सब्सक्राइबर्स हैं आप लोग। तो आप लोगों को मैं बार बार धन्यवाद ही बोलूँगी, और रोज़ मैं धन्यवाद बोलती हूँ वाकई तहे दिल से। और फिर मैं आप लोगों को धन्यवाद ही देना चाहूँगी अभी भी। लेकिन मैं एक बात और बोलूँगी कि जो भी मेल तथा फीमेल जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, सभी अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहें। और ये जो नया साल है ना, इसमें बहुत कुछ मतलब आप लोग अपने लिए भी कीजिए। जैसे कि मैंने ये डिसाइड किया है कि लास्ट ईयर मेरे लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन पर हमने आंख बंद करके भरोसा किया। मतलब होता ये है कि अच्छे लोगों को लगता है कि हमारे साथ जो भी लोग हैं या हमारे सामने जो भी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जैसे कि हम लोग अच्छे होते हैं। लेकिन आप लोग, मैं ये बोलना चाहूँगी कि आंख बंद करके कभी भी भरोसा मत कीजिए, क्योंकि हमने ऐसा किया है और हमने धोखा भी खाया है। लेकिन इस बार मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने लाइफ से या अपने खुशियों के साथ मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ अब नहीं करूँगी। हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया है अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा, और हर बार मुझे सिर्फ और सिर्फ धोखा ही मिला। क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ करने से आपको होता कुछ नहीं है। आपके फेवर में अगर सब कुछ है, आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो, आपको अगर उधर से भी सपोर्ट मिले तो ही आप फिर आगे बढ़िएगा नेक्स्ट टाइम। लेकिन कभी कभी लाइफ में होता ही है कि आप सिर्फ अपने तरफ से 100% देते जाओ और आपको 1% भी सामने वाला नहीं देता है, ठीक है। तो हो सकता है कि जो लोग मेरे साथ धोखा किए हैं वो भी इस चीज़ को देख रहे होंगे, तो उन्हें भी मैं बोलना चाहती हूँ कि अब कोई कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं करूँगी। और आप लोग भी यही कीजिए अपनी खुशियों के साथ। और जो लोग आपको प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक आदमी आपको प्यार नहीं कर रहा है ना तो दूसरा भी आपको नहीं करेगा। आपके साथ आपकी फैमिली है, इस चीज़ को कभी मत भूलिए। आपके पेरेंट्स हैं, इस चीज़ को भी कभी मत भूलिए। क्योंकि बहुत पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को सिर्फ कठपुतली बनाकर रखते हैं, लेकिन बहुत पेरेंट्स ऐसे भी हैं कि अपने बच्चों को ये बताते हैं कि तुम्हें मुसीबत में किस तरह से रहना है स्ट्रांग बन के, और तुम्हें सामने वाले से किस तरह से बिहेव करना है हमेशा हर परिस्थितियों में। तो मैं जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, मैं उन्हें ये बोलूँगी कि अपने बच्चों को आप दिशा निर्देश दीजिए, लेकिन अपने निर्णय पर उसे मजबूर मत कीजिए, ठीक है। और बच्चों को भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको ईश्वर ने दिमाग दिया है तो अपने दिमाग से चलिए। अगर आप किसी का हाथ पकड़े हैं, किसी से विवाह किए हैं, तो आप लड़का हो या लड़की, आपको ये देख के चलना है कि शादी वगैरह जो होता है वो सिर्फ दो लड़के और लड़की के बीच में नहीं होता है। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हैं कि आज आप इसको छोड़ के दूसरे को पकड़िएगा तो आपको जानने वाले सिर्फ 5 या 10 लोग हैं, या आपके फ्रेंड सर्कल के लोग हैं। और जब विवाह होता है तो इसमें दो लोगों की फैमिली मिल जाती है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे अभी के ज़माने में व्यवसाय की तरह ले रखा है,
ठीक है, कि मतलब एक से किए फिर वो अच्छा नहीं लगा तो फिर दूसरे से, तो ये सब जो घटिया वाला हरकत है ना, ऐसे ऐसे लोगों से दूर ही रहिए। क्योंकि ऐसा मेरे साथ नहीं, बहुतों के साथ ऐसा हो रहा है, और ऐसा हमने स्टोरी वगैरह में भी पढ़ा है कि ऐसे घटिया घटिया लोग आपके आसपास भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस बार मैं फाइनली फिर लास्ट में ये बोलना चाहूँगी कि सब कुछ कीजिएगा अपने खुशियों के साथ, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना है इस बार, बस ये डिसाइड करना है, और खुद से प्यार कीजिए। ठीक है, आप कैसे हैं इस चीज़ को आप जान रहे हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर आपको कोई बोल दिया कि आप ऐसे हैं वैसे हैं, तो ये उनका संस्कार है, उनका घटिया दिमाग है कि वो आपके बारे में कैसी मेंटेलिटी रख रहे हैं। लेकिन आपका जो संस्कार आपके माता पिता ने, आपके परिवार वालों ने आपको दिया है, उस संस्कार को आप लेके चलिए। और ईश्वर जो है ना, वो हर चीज़ देखता है। ईश्वर के घर में जो न्याय होता है उससे कोई बच नहीं पाता है। इसलिए सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी दीजिए। मैं अपने सभी सब्सक्राइबर से ये बोलती हूँ कि कभी भी किसी को भी, किसी के लिए भी, अपने हस्बैंड के लिए या फिर अपनी वाइफ के लिए या अपने बच्चों के लिए इतना ज़्यादा जान मत दीजिए कि सामने वाला को ये लग जाए कि अगर हम इसको छोड़ के चले जाएंगे तो ये मर जाएगा और तब हम खुश रहेंगे। ठीक है, आप प्यार कीजिए, लेकिन उसको ये भी बता दीजिए कि अगर तुम नहीं भी रहे तो भी हम रह लेंगे, हम खुश हैं अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए, ठीक है, आप लोग भी मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सपोर्ट करते रहिए, कोई भी मतलब किसी भी तरह का और भी वीडियो देखना है, किसी चीज़ का रिव्यू वगैरह, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।